हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी जा रहा हूँ मैं पनेरा भाई पानी भरने। सुबह के 7:15 हो रहे और जागृति अर्चना जा रहे हैं स्कूल, तो इनको भी पहुँचा के आएंगे। ये जा रही भाई जागृति आगे, तो इनको भी पहुँचा के आएंगे और पानी भी भर के ले आएंगे साथ में। हाय बोल दे। हाय। तो ये दोनों अब अकेले रह गए भाई यहाँ से। जो इनके साथ पढ़ने वाले थे इनके दोस्त, वो चले गए भाई खलाड़ 6 में पास होके, भाई 6 में चले गए हैं। तो ये अकेले हैं अब, तो इनको पहुंचा के आते हैं आगे तक। और सुबह का स्कूल लग गया है इनका। अच्छा, चले जाओगे फिर? हाँ हाँ जानू, चली जाएगी। मैं जाऊँ फिर? यहाँ रुकूँ थोड़ी देर? रुकूँ या जाऊँ? चलो बाय बाय फिर। जाओ जाओ फिर, मैं रुका हूँ। चलो जाओ नीचे तक, आराम आराम से जाना, ठीक है? अरे तू दौड़ मत लगा ना, आराम आराम से ले जाओ उसको। जाओ जाओ, मैं रुका हूँ यहीं पे। तो यहाँ से चले जाएंगे अर्चना जागृति। अब हम चलते हैं भाई पानी भरने, फिर चलते हैं घर। तो आज मौसम भी भाई सुबह से कुछ ऐसा हो रहा, देखो बादल लगे हुए हैं, पूरा आसमान पैक है भाई बादलों से। तो हल्की हल्की धूप दिख रही है अभी, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बादल कम हैं इसलिए, और ठंड हो रही है भाई। तो अब चलते हैं, और गांव का नज़ारा भाई कुछ ऐसा है यहाँ से। बाकी जो नए भाई जुड़े हुए हैं चैनल पे, उन भाइयों को दिखा दें। तो ये रहा हमारा घर सबसे ऊपर, तो ऐसा कुछ नज़ारा है भाई गांव का, ये देखो। और ये मीन जिनोली गांव, ये रहा भाई। तो हमारी ग्राम सभा का नाम हुआ जिनोली, और हमारे देखो काफ़ी, हमारे गांव में भाई काफ़ी दूर दूर घर हैं। तो एक दो घर यहाँ पे हैं, हमारा घर वो रहा एक, ये भाई काफ़ी दूर दूर घर है। और अर्चना जागृति का स्कूल यहीं नीचे है भाई, तो यहाँ से दिख नहीं रहा, यहीं पर है नीचे। और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं, उनको भाई हमारे यहाँ का पनेरा भी दिखा देते हैं हमारे गांव का। तो गांव के बीचों बीच भाई पानी का स्रोत है, वो दिखाएंगे अभी आपको। यहीं से हम सारे गांव वाले भाई हमारे यहाँ के, तो पीने के लिए और खाना बनाने के लिए पानी यहीं से भर के ले जाते हैं। तो मैं पानी भरने वाला गैलन यहीं छोड़ के गया था। तो अब चलते हैं पनेरा। तो वो रहा भाई ऊपर हमारा घर, तो पनेरा है यहाँ पर भाई, ज़्यादा दूर भी नहीं है, थोड़ा बहुत है भाई। वो रहा हमारा घर, ये रहा पनेरा मंदिर के जस्ट बगल में। तो भाई ये रहा भाई पानी का स्रोत हमारे गांव के बीचों बीच। तो अब पहले बर्तन लगा लेते हैं भाई ना। तो पहले जब भाई बारिश नहीं हो रही थी, तो पानी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था भाई, बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो अब तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है बारिश होने के बाद, और यहाँ पे पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था इधर की साइड। तो यहाँ पे देखो अभी काफ़ी ज़्यादा पानी निकल रहा है हवा से भाई, काफ़ी ज़्यादा पानी है इधर की साइड भी, और यहाँ पे भी पानी बढ़ गया है। तो भाई ये है हमारे गांव का जीवन। बाकी जो दूर जंगलों से पाइपलाइन के द्वारा पानी आता है, उसमें तो भाई कोई भरोसा नहीं, कभी आता है कभी नहीं आता, और ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाएगी तो वो पानी आना बंद हो जाता है। तो अब पानी भरते हैं, फिर चलते हैं घर, फिर देखते हैं भाई आगे, सीधे घर पर मिलेंगे, फिर क्या करना होता है वो सब दिखाएंगे आपको। चलते हैं फिर। तो अभी 12 बज गए हैं, अब खाना वाना खा के भाई अब जा रहा हूँ मैं विनोद भाई के यहाँ गांव में। तो कल वाला काम अधूरा रह गया था ना, उसको भाई आज कंप्लीट करना है। तो हमने कल लकड़ी वो सब लगा दी थी, आज भाई उसके ऊपर मिट्टी डालनी है और फिर उसको समतल करना है। चलो दिखाते हैं चल के। तो आज यहाँ भी मकान का काम भाई काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, हमारे दाजू का मकान लग रहा है ये। तो यहाँ पर भाई आज स्लिप डल रही है, तो लगभग सारा काम कंप्लीट ही है इनके मकान का भी, इसके बाद छत डलेगी। ये स्लिप जो डल रही है भाई आगे के साइड, तो कुछ लोग आ रखे हैं वहाँ पर, वो बन रहा है भाई मसाला, फिर ऊपर डाल रहे हैं स्लिप, तो इसके बाद छत डलेगी, काम कम्प्लीट। तो गाइस ये बना रखे हुए ढेर, और इसमें डाल रखा है गेहूं का भूसा और गोबर
और मिट्टी मिक्स है भाई, तो ये डाला जाएगा अंदर। पहले इसको फिटा जाएगा खूब जम के, उसके बाद मिक्स हो जाएगा ये सारा, फिर डालेंगे भाई अंदर। है वो चा है या ये तो गैर तो हम तो भाई बाहर से ला रहे थे, मतलब मिट्टी सान रहे थे, और अंदर चाचा जी इन्होंने कर दिया कंप्लीट काम भाई। ये छोटी छोटी और लगेगी थोड़ा सा, मारन पड़ो जमी हल्का हल्का ने गैर एक गैर बहुत छो ड्रोन सही से तो ये था भाई ड्रोन, साइड पर रख दिया, जिस दिन शादी होगी उस दिन उड़ाएंगे इसको। इतनी मिट्टी लग गई है। हाँ तो भाई इतनी मिट्टी लग गई है, देखो काफी गहरा खड़ा हो गया। इतनी सारी मिट्टी हमने अंदर भेज दी है भाई, फान के सान के। तो अब हो गया, फिर अब एक बार अंदर देख के आते हैं, अगर काम कंप्लीट हो गया होगा तो फिर बंद भाई, बंद उसके बाद है नहीं। धन्यवाद है, ये दादाजी थक गए, ओदा थाग लगे थे, ये दादाजी भी आए थे आज, ओदा थाग लगे थे ना को। चल देख के आए फिर कितना हो गया, कैसा हो रहा है। काम जल्दी आ, ओ दे देखा है ना, खा लो है ना, है लाग से जा, अबे रखो मुझे तो काली बोल दे रहे हैं ना, कर पना ना गैस निकाल ना, कुछ सुबेर भैट हो ना भैट हो ना ऐ नहीं पिटना ना ऐ नहीं पिटे ऐ नहीं पिटे ना ऐ लेशे वाला बस तो है उल उपाव खोलने खोलने जड़ी जानो पाव पाई में जड़ी जानो तो पाल पलाने वाला काम, मिट्टी डालने वाला काम कंप्लीट हो गया था। तो अभी जा रहे हैं हम भाई जंगल की तरफ, और दिखाते हैं आपको भाई पहाड़ों में पानी की कितनी दिक्कत है, और क्या जुगाड़ बना रखा है यहाँ पर भाई। टमाटर लगा रखे हैं, तो टमाटर को पानी देने के लिए कैसा जुगाड़ बना रखा है। तो इस खेत में भाई सारे टमाटर के पौधे लगा रखे हैं, ये देखो काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं वैसे, हमने ये अच्छा लगा मेरे को भाई, पानी भरने वाला जुगाड़ बना रखा है यहाँ पर। तो किसके पत्ते हैं विनोद, केले के है ना, केले के तो है। भाई ये देखो थोड़ा सा पानी वहाँ पर टपक रहा होगा, वहाँ से केले के लगा रखे हैं पत्ते, और यहाँ सीधे इसमें भर रहा है भाई पानी, ये अच्छा जुगाड़ बना रखा है यार पानी भी बर्बाद नहीं हो रहा, बूंदे बूंदे गिर रही है भाई वहाँ पे, वो सारा इसमें जा रहा है। कितनी किल्लत है यार पानी की, तो अच्छा कर रखा है भाई, कुल मिला के दिमाग लगा रखा है, सही कर रखा है, पानी की बर्बादी नहीं हो रही है ना। तो अभी शाम के 7:30 हो गए हैं, अभी भाई घर पहुंच रहा हूँ, चाय पानी पीते हैं और ब्लॉग को एंड करते हैं। आज के भाई सारे काम कंप्लीट हो गए थे विनोद भाई के घर पे, तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।